नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही अहम टॉपिक, जो आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य में डाल देगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जो नई वीडियो मैं बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के साथ साथ एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है, और साथ ही साथ कुछ पेपर्स तो ऐसे हैं जिनमें अक्सर एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं से जुड़े हुए महानगर। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है जो कि सड़क कि कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई थी। उससे जुड़े हुए कौन कौन से महानगर हैं, इनको याद रखने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा। ट्रिक है, दिल में चमको। हमें सभी के दिल में चमकना चाहिए ना। ट्रिक केवल इतना है कि दिल में चमको। अब आपको समझना किस तरीके से है कि दिल का मतलब दिल्ली, मे का मतलब मुंबई, चम का मतलब चेन्नई, को का मतलब कोलकाता। तथा ये चार ऐसे महानगर हैं जिनसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होके जाती है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों, भारत के अंदर लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 8 है, जिनको याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप इन 8 राजमार्ग को याद कर पाएंगे, वो भी सीरियल वाइज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि NH7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, तो जान लेते हैं कौन सी है ऐसी ट्रिक कि दिल के दीपक को आग में कांच से मचलकर मरना पड़ा। फिर बालक दिल्ली में जन्मा। बस आपको इतना याद रखना है। अब हम कैसे समझेंगे, दीपक का मतलब दिल्ली से पाक सीमा तक, मतलब जो NH1 है वो दिल्ली से पाक सीमा तक है। दिल को मतलब जो NH2 है वो दिल्ली से कोलकाता तक है। NH3 है वो आग में मतलब आगरा से मुंबई तक है। NH4 मतलब मचल का मतलब मुंबई से चेन्नई, माँ से मुंबई और चा से चेन्नई, तो मुंबई से चेन्नई तक है NH4। NH5 कांच मतलब कोलकाता से चेन्नई तक है। कर मरना मतलब का से कोलकाता हो गया, माँ से मुंबई हो गया, मतलब NH6 है वो कोलकाता से मुंबई तक है। NH7 बालक का मतलब वा से वाराणसी और का से कन्याकुमारी, मतलब वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7 है। NH8 दिल्ली में जन्मा, अर्थात दिल्ली से जयपुर या मुंबई तक है। तो इस प्रकार ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़े महानगर, इस प्रकार यह प्रश्न पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अगर पसंद आया हो या आप ऐसे वीडियोस को चाहते हैं देखना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोस। इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी हिस्ट्री और GK टॉपिक, देन कमेंट टू मी, आई विल हेल्प यू।